नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना। संकट की घड़ी में जो काम आए वह इंसान ही जीवन भर याद रहता है। आगरा की सड़कों से गुजरने वाले सैकड़ों लोग इस बात को मान चुके हैं। दिल्ली NCR सहित हरियाणा में काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को रास्ते में किसी ने खाने तक के लिए नहीं पूछा, लेकिन आगरा शहर में आते ही सेवादारों की लाइन लग गई। मध्य प्रदेश के रहने वाले कन्हैयालाल साइकिल से ही अपने परिवार के साथ दिल्ली से घर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगरा में कई जगह उन्हें खाना मिला। आगरा ग्वालियर रोड पर किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने बताया है कि कई प्रदेशों के जो लोग गरीब और मजदूर आगरा होकर अपने अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं, ऐसे और जो कई कई दिनों के भूखे प्यासे हैं, साथ में उनके बच्चे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को खाना खिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वाहन ना मिलने के कारण वह पैदल ही चल रहे हैं। किसान नेता ने बताया है कि सभी गरीब मजदूरों के लिए किसानों ने खाना बनवाकर खिलाने का संकल्प लिया है। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण किसानों का सहयोग रहा। मजदूरों ने बताया है कि वो बेलदारी कर अपने परिवार का पालन कर रहे थे, लेकिन देश भर में लॉकडाउन के बाद काम धंधा बंद हो गया। कोई उनसे बात तक नहीं करता था और वहीं ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा था। आखिर में परिवार के साथ सभी लोगों ने फैसला किया कि वो अपने घरों की ओर जाना ठीक है। तो जानिए हमारे साथ किसानों और मजदूरों के द्वारा किस प्रकार परेशानी और सहयोग की बात। कन्हैया लाल जी, कहाँ के रहने वाले हो? MP के जी। MP के रहने वाले हो? MP UP पड़ता है जी। कौन से जिला? महोबा। इधर कहाँ से आ रहे हो आप? रोहतक से जी। रोहतक में क्या करते थे? ये कोटिंग और मिस्त्री करते हैं जी। और किससे आ रहे हो आप? ये साइकिल से जी। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन। 3 दिन हो गए? हाँ। कितने लोग हैं एक साइकिल पर? 3 सवारी जी। 3 सवारी हैं। अच्छा, ये बताइए खाने की क्या व्यवस्था रही रात को? खाने की जी व्यवस्था कई लोगों ने सहा दिया, खाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ी। तो वहाँ से क्या क्या हटा दिया आपको? ना कोई कहे कि नहीं, आप तो अपने आप से आए, बालक गांव में हैं। तो मोदी जी ने तो ये कहा था कि जो जाए वो वहीं रहे, तो मोदी जी के कैसे क्या है वो तो कुछ भी। हाँ, और क्या, भूखे से मर देगा वहाँ जी। आप कितने दिन में पहुँच जाओगे? 2 दिन लगेगा जी। 2 दिन में पहुँच जाओगे? पहुँच जाएंगे जी। पार्वती, कहाँ से आए हो आप लोग? गुड़गांव से। और जा कहाँ रहे हो? वो टीकमगढ़ जिला। अच्छा, गुड़गांव में क्या करते थे आप लोग? काम करते थे मजदूरी का। तो फिर क्यों आ गए वहाँ से? अब मोदी जी का कहना था जो जाए वहीं रहे। क्या खाने के लिए कुछ है ना, काम पे नहीं लग रहा है, क्या करेंगे? बच्चे भूखे तो पालेंगे नहीं, क्या कर पाएंगे? तो कैसे आए हो आप? किससे आए हो आप? आप पैदल से आए हैं? पैदल? पैदल आप? कोई गाड़ी वाहन बांध देते हैं, फ्री की बोल के पैसे ले लेते हैं। हमारे पास पैसे ना है, ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, मालिक ने, मोदी ने सब बंद कर दिया है, इसलिए हम आए हैं। तो फिर खाने पीने की क्या व्यवस्था है आपकी? खाने पीने के चलते मिलते रहता है। लोगों ने खाना खिलाया रास्ते में आपको? हाँ, खिलाया है सब कुछ। कितने दिन में पहुँच जाओगे आप? अब देखो कोशिश करते हैं कितने दिन में, कोई गाड़ी वाहन मिल जाएगी तो चले जाएंगे, मदद करेगा कोई तो चले जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे रखे बच्चे को। मोना देवी है। कहाँ के रहने वाले हो? टीकमगढ़ जिला के। टीकमगढ़ के? इधर कहाँ से आ रहे हो आप लोग? गुड़गांव से। क्या करते थे वहाँ? मजदूरी करते थे। कितने दिन हो गए आपको चलते चलते वहाँ से? 2 दिन हो गए। तो 2 दिन में किससे आए हो आप? ऐसे पैदल आए हैं, कुछ वाहन से आए हैं, कुछ ये बोलते हैं कि हम फ्री में ले जा रहे हैं और पैसे मांगते हैं,
वो बोलते हैं चौक पे छोड़ देंगे नहीं और रास्ते में छोड़ते जंगल में और पैसे मांगते हैं, जंगल में छोड़ते हैं झगड़ा करते हैं, बोलते पैसे दो, हम कहाँ से दें, मजदूर आदमी हम पैसे कहाँ से देंगे उनके लिए। तो आप काम करने गए थे वहाँ पैसे नहीं मिले आपको? वहाँ पैसे नहीं मिले, मोदी जी ने बंद कर दे, बोल पैसे नहीं है तो फिर ठेकेदार के पास पैसे कहाँ से, हम लोग भाग आए जान बचा के, क्या करेंगे, काम किया उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। तो कितने दिन में पहुंच जाओगे आप लोग? अब वाहन पहुंच जाएंगे, वाहन हो जाएगा तो पहुंच जाएंगे, कर देंगे मोदी जी मतलब जो योजना वाले हैं। पुलिस ने कोई मदद नहीं की आपकी? कहीं कहीं मदद की है, कहीं कहीं नहीं की है, क्या कहते हैं पुलिस ने मदद। मैं किसान परिवार से हूँ और किसानों की थोड़ी सी भागीदारी भी निभाता हूँ किसानों के पक्ष में, जैसे कि भारी अन्नताएँ बढ़ती जाती हैं, परंतु आज देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और शासन प्रशासन की एक महानता को देखते हुए किसान भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने के लिए तैयार भी है। और थाना सदर क्षेत्र में DM साहब और SSP महोदय के निवेदन पर किसान भी अब इनके बीच में आ चुका है। जो बंदूकटा चौकी है उसी क्षेत्र में मेरा गांव पड़ता है, रोहतक गांव है। इंचार्ज महोदय क्षेत्र में अक्सर करके गुंडागिरियां बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म भी हो चुकी है और हमने गरीब जनता के लिए, पूंजीपति तो अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, गरीब जनता के लिए हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था बनाई है जिसमें 3 थाने पड़ते हैं, 1 सदर और ताजगंज और मलपुरा। जो सहयोग होगा वो पूरी तरीके से उसका पालन करेंगे और भोजन कराने की हर समय 24 घंटे व्यवस्था रखी जाएगी। कितने दिनों तक चार साहब आप इस तरीके की जब तक किसानों पर माल होगा, जब तक किसानों पर माल होगा अनाज और आलू, किसान पीछे नहीं हटेगा किसी कीमत पर। जब देश ही नहीं रहेगा, किसान ही नहीं रहेगा, तो हमारे माल से और गेहूं से और आलू से फायदा क्या है, सबके साथ में है हम। खाना हो गया और मिलेगा, खाना आगे मिलेगा। मेरा नाम ज्ञानेंद्र मुखिया, मैं गोरक्षा क्रांति से राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुखिया जी, किस तरीके से आज आप गरीबों को भोजन करा रहे हैं? कल एक प्लानिंग बनी थी जो हमारी अध्यक्षता कर रहे श्याम सिंह चार जी हैं, उनके नेतृत्व में आज हमने जो मैंने देखा कि रोडों पर जो जो पैदल एक करौली के तौर पर जो जाते थे मैया के दर्शन करने, और मैया के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, ये अपने घरों के लिए जा रहे हैं, तो उनकी हमने लाचारी देखी कि वो भूखे प्यासे जा रहे थे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, और यहाँ हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं शासन प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था देख रहे हैं। जो हमारे जो आसपास में जो लोकल में जो थाना लगता है, जैसे ताजगंज लगता है, सदर लगता है और मलपुरा लगता है, इस तीनों थानों को जल और खाने की व्यवस्था पूरी देख रेख हम श्याम सिंह चार अध्यक्षता में कर रहे हैं। क्या लॉकडाउन क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावत है, मैं ग्राम निवास नैनाझाड़ में शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ।
आज किस तरीके से ये खाने का जो इंतजाम किया जा रहा है, क्या कुछ है पूरा? आज हमारे नैनन जाट ग्राम पंचायत की ओर से हमारे यहाँ पुलिस के संज्ञान पुलिस चौकी पर खाना बनवा कर और यहाँ जो राहगीर जा रहे हैं जिनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो रास्ते पैदल पैदल जा रहे हैं उनके लिए खाने के लिए यहाँ से लेकर संयं तक की हमने उनकी व्यवस्था की है। रास्ते में जहाँ आपको खाना खाना वहाँ आप खा करके और आराम से पैदल पैदल आप निकल सकते हैं। ये हमारे भारत की मजबूरी है तो इसका इसमें हमारे सब लोगों का साथ दें, भारत का पूरा साथ दें ताकि ये जितनी भी आपदा है धीरे धीरे टल जाए। कितने दिनों तक चलेगा ये लगभग हमारा जो खाने का वितरण, जब तक ये राहगीर आएंगे तब तक हम इनको लगातार चलाएंगे अपने क्षेत्र में।